गुड मॉर्निंग, नमस्ते भाइयों, कैसे हो? सभी लोग ठीक हो? आज मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ। देखो, एक्सरसाइज हम बोलते हैं ना, एक्सरसाइज फिटनेस किसे बोलते हैं, तो एक्सरसाइज मतलब ऐसा जब सारा दिन की जिम में जाओ या गार्डन में एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज आप कोई भी घर पे उठक बैठक काम करते हो तो एक्सरसाइज हो। जैसे आपको मैं डेमो दिखा रहा हूँ, हमारे घर पे क्या काम वाली नहीं आई है, तो मैं अपनी एक्सरसाइज का टाइम मैं घर पे झाड़ू लगाऊंगा। इससे क्या मेरी एक्सरसाइज फिटनेस मेंटेन हो जाएगी, घर का काम भी हो जाएगा और मामा को हेल्प भी हो जाएगी। तब देखिए मैं घर पे कैसे झाड़ू लगा रहा हूँ। अब देखिए, नीचे यहाँ पे बैठ गए, अभी नीचे बैठे तो हमारी नीस क्या होगी, वैली होगी, यहाँ से झाड़ू हम लोग निकाल रहे हैं। ये ऐसा लोग झाड़ू निकाल रहे हैं कंटिन्यूअसली, और इससे क्या हमारी बॉडी की मूवमेंट्स पूरी होगी। सभी तरीके से हम मुड़ रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं, घुटने आ रहे हैं, और इस तरीके से हम रूम की सफाई वगैरह भी कर रहे हैं। तो इतना वक्त नहीं लग रहा है सफाई करने में, और पता भी चलता है कि घर पे मम्मी इतनी मेहनत करती है। हम लोग नॉर्मली बोलते हैं लेडीज को घर पे क्या क्या होता है, लेकिन आज रियली पता चल रहा है कि घर पे लेडीज को काफी काम होता है। क्योंकि एक बार झुक के ये सब काम करना, झाड़ू पोछा लगाना, घर में इतना बड़ा स्क्वायर सेंटीमीटर घर होता है, फिर बाद में हम पंखा चालू करते हैं और फिर उड़ जाता कचरा। देखो कैसे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ कचरा, यहाँ पे नीचे झुक रहा हूँ, बैठा हूँ मैं यहाँ पे और काम कर रहा हूँ। और मेरी माता जी बता रही है कहाँ का कचरा रह गया है। तो आज हमें पता चल रहा है कि घर पे कितना इम्पोर्टेंट योगदान होता है हमारे लेडीज का, माँ बहनों का। घर में जो भी लेडीज होती हैं किस तरीके से मेहनत करती है। देखो कचरा मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन काफी कठिन काम है, दिखने में काफी आसान लगता है, लेकिन बार बार नीचे उठना बैठना, आजकल कचरा इकट्ठा करना, देख सकते हैं मैं इकट्ठा कर रहा हूँ कचरा यहाँ पे। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी कहीं पे जिम वगैरह में आपके 1000 रुपए इतना खर्चा करते हो गार्डन में, जैसे घर पे अपने माता पिता को भाइयों बहनों को मदद कराओ, तो घर भी आपका साफ रहेगा, आपके जिम के पैसे बच जाएंगे, एक्सरसाइज फिटनेस मेंटेन रहेगी, और जो आप जो काम वाली को खर्चा देते हो खर्चा वो भी आपका खर्चा बच जाएगा। तो हर एक चीज मेंटेन होगी, और जितना बॉडी का लुब्रिकेशन कंटिन्यू मेंटेन होगा। मैं कैसे कचरा निकालो अच्छे तरीके से, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे इतना कचरा इकट्ठा हुआ है एक रूम का। अभी किचन विचन आंगन बरामदा दूसरा रूम काफी बाकी है, तो ये काफी अच्छी चीज है। आज के लिए बस इतना ही, फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते रहेंगे। इधर देख सकते हैं आप, मैं भी मैं पे खड़ा हो गया हूँ और थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।